नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और आगे लिखा अधर्मा भिभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते। वर्ण शंकरा यो मामजमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। और आगे लिखा गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लम्लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीह नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। बनाए मोइनुद्दीन कादरी भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजु शरिया के नाम से यह महफिल मंसूब है। अगर आप चाहते हैं सुनना पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को फिजाओं में लहराएं और झूम कर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे लोगों पूरी दुनिया में जितने लोग आए गए अल्लाह की कसम सबके सब मुस्तफा का सदका खाते गए। आप भी अगर बैठे हो मुस्तफा के इश्क में बैठे रहो। ताकत की बुनियाद पर आदमी नहीं जीतता गए पैसे की बुनियाद पर नहीं जीतता गए। हुकूमत हार सकती है ताकत हार सकती है पैसा हार सकता गए कुर्सी हार सकती है दौलत हार सकती गए लेकिन मुस्तफा का आशिक कभी नहीं हारता गए। दौलत हारती गए आशिक नहीं हारता गए हुकूमत हारती गए आशिक नहीं हारता गए। आपने देखा नहीं आपने सुना नहीं आपने तारीख का मुताला नहीं किया जंगे बदर में 1000 कुफार आए थे 1000 फौज आई थी कितने के मुकाबले में सिर्फ 73 के मुकाबले में उस 73 के मुकाबले में उस 72 के मुकाबले में 313 के मुकाबले में जंगे बदर में 1000 फौज खड़ी थी लेकिन 1000 को अपनी ताकत पे नाज था अपनी हुकूमत पे नाज था। उस 1000 की ताकत वाली फौज हार गई लेकिन 313 मुस्तफा के दीवाने जीत गए। पता ये चला कि ताकत हार जाती गए लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हारता गए मुस्तफा का आशिक कभी नीचे नहीं होता गए। चलो करबला की सरजमीन पे करबला के मैदान में 22,000 का लश्करे जर्रार एक तरफ खड़ा गए एक तरफ हुजूर के घर वाले हुजूर के नवासे के साथ 72 नुफूसे कुदसिया खड़ी गए। 22,000 लश्करे जर्रार हार जाते गए लेकिन 72 के नाम का परचम आज भी जिंदा है सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। पता ये चला ताकत हार जाती गए इश्क जीत जाता गए। इसलिए लोगों ताकत पे घमंड ना करो हुकूमत पे घमंड ना करो दौलत के चक्कर में ना रहो कुर्सी के चक्कर में ना रहो मुस्तफा का आशिक बन जाओ। दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओ। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला नारे तकबीर। आशिके मुस्तफा बनो आशिके मुस्तफा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
कोई खामोश ना रहे। अगर आप सुनना चाहते हैं आपको करबला वालों का वास्ता, आपको सय्यदा ज़ैनब के पाकीज़ा दुपट्टे का वास्ता, आपको मज़लूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको अली अकबर की शहादत का वास्ता, कोई खामोश ना रहे। और याद रखिएगा, जो कौम बोलती है उसको पूरा हक दिया जाता है, जो कौम नहीं बोलती है उसे पांव की ठोकर से उड़ा दिया जाता है। अगर आप तकरीर सुनने का जिगर रखते हो, इंशाल्लाह मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरा जहन बना दो, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर आपका जहन ना जाए। पूरा मजमा, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अहले स्टेज भी अगर उठा कर दुआएं दे दे। हजरत मरगूब मैकस साहब की बिला ये भी तशरीफ ला चुके हैं, आप तो इसी जगह के रहने वाले हैं। रहकपुर में इतने बड़े बड़े खुतबा हैं, इतने बड़े बड़े नाथा और शौरा हैं। अगर ये चाहे अपने आप में एक एक जलसा बन के बैठ जाएं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को कामयाब कर दे। जब एक रहकपुर का लाल पूरे हिंदुस्तान के जलसों की कामयाबियों की जमानत बन सकता है, अगर सब उलमा इकट्ठे हो जाएं तो यकीनन एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए रहकपुर वालों जिंदा दिल हो जाओ, और पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। और मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और मैं साबित कर दूंगा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे सच्चा मजहब, सबसे पक्का मजहब, मानवता का सम्मान करने वाला, इंसानियत का पैगाम देने वाला, अगर कोई मजहब है वो कोई दूसरा मजहब नहीं है। अगर वो मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन आप बोलो, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा, जरा पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, हाथों को लहराओ और झूम कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आपकी आवाज बुलंद हो, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। याद रखना लोगों, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे पड़े गए। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम और कुरान के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, हॉलैंड इस्लाम और कुरान के पीछे, आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे, लेकिन मेरा इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया। जितने लोग बैठे हैं, मोइनुद्दीन कादरी मंत्र भी पढ़ देगा, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा आप ये बात सुन लें कि मैं आज आपको बताने वाला क्या हूँ। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा हवाला के साथ करेगा, लेकिन आपको शर्त है कि आप तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुने और ध्यान से सुनकर यहाँ से जाइएगा। जो लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता, इस्लाम इंसानियत का पैगाम, जो लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू। मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा इस्लाम कैसा मानवता सिखाता है, इस्लाम किस तरह का पैगाम देता है। आओ प्यारे, अपनी किताब तो अपनी किताब, गैरों की किताब भी मेरे पास मौजूद है, अगर आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये देखो मेरे
हाथ में किताब है, किताब का नाम है भागवत गीता। और मोइनुद्दीन कादरी डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है और किताबें दिखा दिखा कर बोलता है, किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मोइनुद्दीन कादरी के हवाले को गलत साबित कर दे, क्योंकि हवाला मेरे पास मौजूद होता है, किताब उसकी होती है। मैं हवाला देता हूँ लेकिन बात मजहब इस्लाम के हक्कानियत की होती है, बात कुरान के हक्कानियत की होती है, बात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुआ करती है। गौर से सुनना प्यारे, किताब ये मेरे हाथ में है, मैं बताऊंगा कि इस्लाम क्या सिखाता है। अगर सुनना चाहते हो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ ताकि ये न लगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। किताब का नाम भागवत गीता और पेज नंबर है 154। किताब मेरे हाथ में मौजूद है, किताब में लिखा है, मैंने निशान भी लगा दिया है। अगर कोई देखना चाहे, कोई संस्कृत पढ़ना जानता हो वो आकर किताब भी देख सकता है। इस्लाम क्या पैगाम देता है जरा गौर से सुनना। इसकी किताब कहती है, आज लोग कहते हैं मुसलमान भड़काता है, ये मौलवी साहब भड़काता है, ये मौलाना साहब भड़काता है। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह की कसम कहता हूँ, ये जितने उलमा बैठे गए स्टेज पर, आप इनसे एक एक करके पूछिए क्या कोई मौलाना भड़काता है। ये तो कहेंगे नहीं नहीं, हमें गालियां देना हो दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है, एक मुसलमान का बच्चा अपने बहन के नाम पर नहीं भड़कता है। मुसलमान अगर भड़कता है तो मदीने वाले रसूल पाक के नाम पे भड़कता है। हमारे उलमा कहेंगे इनको तो छोड़िए, एक 8 साल के बच्चे को उठाकर पूछो, हमारी कौम का बच्चा बोलेगा सुनो सुनो हमें गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जमाने वालों याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो याद रखना ये जान क्या गए, ये दौलत क्या गए, सारी कायनात को भी हम मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार गए। क्योंकि हमें मदीने वाले से इश्क करना, मदीने वाले से प्यार करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है, हुजूर ताजुश्शरिया ने सिखाया है, आला हजरत ने बताया गए। सुनो लोगों, जिंदा रहना तो ऐसे जिंदा रहना, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जरा देखिए, अब जरा देखो प्यारे, ये मैं जो मंत्र पढ़ रहा था, किताब का नाम भागवत गीता, ये किताब भाग वो गोरखपुर प्रेस से छपी है। किताब का नाम भागवत गीता, किताब का पेज नंबर 156 है। लिखा जाता है, पंडित है लोग हैदराबाद का रहने वाला गए, नाम गए पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोट रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए, कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए, लोग शरण गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नाम कर जय पे बिना मुगम्मद पार न होए पे। अब
बेस कम करो, आवाज बढ़ाओ, सिर्फ बेस कम करो, मशीन से, ओरिजिनल मशीन से। सुनना चाहेंगे एक मरतबा, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलते रहो, आप देखें ये किताब क्या कहती है। भागवत गीता मेरे हाथ में है, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम मानवता का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम तो मानवता का दर्स देता है, इस्लाम तो भाईचारे का दर्स देता है। लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम को मानवता नहीं आती है। सुनो प्यारे, ये उलमा बैठे गए, मैं फतवाए आलमगीरी एक दिन पढ़ रहा था, उसमें एक मसला मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के दरीचे खुल गए। जो लोग कहते हैं इस्लाम अत्याचार सिखाता है, मजहब इस्लाम ने क्या पैगाम दिया। किताब का नाम फतवाए आलमगीरी, उस किताब में लिखी गए ये बात, और ये मसला लिखा गया कि ऐसे तो मुसलमानों को, ऐसे तो इंसानों को नाखून अपने 40 दिन से पहले पहले काट लेनी चाहिए, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूए तहरीमी है। ये उलमा बैठे गए, आप पूछिए, आप डॉक्टर साहब से पूछिए, आप मुफ्ती साहब से पूछिए, 40 दिन से ज्यादा नाखून नहीं बढ़ा सकते गए, यानी 40 दिन से पहले पहले काट लेना चाहिए। उस किताब में लिखा गया ये मसला कि अगर कोई गाय दोहने वाला हो, कोई जानवर का दूध निकालने वाला हो, कोई भैंस दोहने वाला हो, तो उस शख्स को 40 दिन तक नाखून काटने के लिए इंतजार न करना चाहिए, बल्कि वो शख्स हर हफ्ते में नाखून काट ले। आगे ये बात लिखी गई इसलिए कि अगर वो नाखून बड़ा रखेगा, अगर उसके नाखून बड़े रहेंगे तो फिर कहीं वो जानवर का दूध निकालेगा तो जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों, जो मजहब जानवर के लिए इतना सम्मान करने का हुक्म देता है, जो मजहब जानवर के हुकूक के बारे में इतना ख्याल रखने को कहता है, वो मजहब इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा, वो मजहब मानवता का कितना सम्मान सिखाता होगा। लेकिन लोग बकवास करते गए कि नहीं, इंसान मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। इधर देखो प्यारे, जो लोग कहते गए मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक बादशाह का आपने सुना है, आज भी हुकूमत फैसले लेती है, आज भी लोग फैसला करते गए। लेकिन सुनो प्यारे, एक बादशाह का नाम आपने सुना है जिसको हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से दुनिया जानती है, लेकिन दूसरों से पूछो वो कहते बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, बहुत ज्यादा सख्त दिल बादशाह थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर को दुनिया वालों तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ो तारीख का मुताला करो। औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह थे जो दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर लोगों की फरियादें सुना करते थे, और रात को दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने तख्त पे बैठ के फरियादें दिन में सुनकर रात को इशा की नमाज में लोगों को मसल्ले पे खड़े होकर कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है, हजरत औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह है, मानवता वाला बादशाह, वो बादशाह इंसानियत की का दर्स देने वाला। हजरत औरंगजेब आलमगीर के बारे में वाकिया बताना मकसद नहीं, बल्कि बातें आप तक पहुंचाना मैं चाहूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस की धरती पर एक इब्राहिम कोतवाल को, एक पंडित की बेटी की इज्जत की को तार तार करने के जुर्म में उसे पागल हाथियों को दोनों पांव में बांध कर तोड़ा कर फाड़ दिया था, और दुनिया वालों को बता दिया था, ओ दुनिया वालों, वो तुम होगे या वो कोई और होगा जो मुंह देखकर साथ धर्म देखकर फैसला करता होगा। लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो मुंह देखकर साथ धर्म देखकर फैसला नहीं करता, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला
फैसला करता है, मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखना चाहते हो लोग, याद रखिएगा, जब जब जाहिलों के सामने इस्लाम को पेश किया जाएगा, जाहिल को इस्लाम की बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो अकलमंद होगा, जो सच्चे दिल के कानों से इस्लाम को समझना चाहेगा। आज लोग किसी हमारी कौम के शराब पीने वाले को देखते गए और कहते गए अरे यही इस्लाम सिखाता है, किसी जुआ खेलने वाले को देखते गए कहते गए यही इस्लाम सिखाता है। नहीं नहीं, इस्लाम को अगर समझना है तो शराबी से इस्लाम को मत देखो, अगर इस्लाम को देखना है जुआरी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो, इस्लाम को समझना है हुजूर ताजुशरिया की जात का मुताला करते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। गरीब नवाज की सीरत पढ़ो, गौसे आजम की सीरत पढ़ो, आला हजरत की सीरत पढ़ो, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ते जाओगे, कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बनते चले जाओगे। ये मजहब इस्लाम।